कांग्रेस जो हम देखते हैं पिछले कई सालों में भारत में एक बहुत स्ट्रांग पार्टी होने के बावजूद आज खत्म हो चुकी है। विपक्ष भी इनसे नहीं अच्छे से का रोल भी अच्छे से नहीं निभाया गया। तो अब चुनावी स्टंट है कहेंगे कि अभी सबको पता है कि भारत में कई जगहों में इलेक्शंस हो रहे हैं और कईयों में होने वाले हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर भी एक है। भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा ये लोग दोबारा से अपने आप को लोगों के बीच में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस खुद को रीलॉन्च कह सकते हैं, रीलॉन्च करने की कोशिश कर रही है भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू। बट इसका कितना उनको फ़ायदा मिलता है या कितना फ़ायदा नहीं मिलता है, ये आने वाला है समय डिसाइड करेगा, ये आने वाले चुनाव डिसाइड करेंगे। क्योंकि इस तरह के चुनावी स्टंट से हम लोगों का को नहीं रिझा सकते, हम लोगों को नहीं जीत सकते। लोगों को जीतने के लिए पहले लोगों के मुद्दों को हल करना पड़ेगा, पहले लोगों की मांगों को पूरा करना पड़ेगा, पहले ऐसे उम्मीदवार उतारने पड़ेंगे ग्राउंड में जो सच में लोगों के बीच रहते हों, जो सच में लोगों के हित की बात करते हों, जिनकी अपनी फेस वैल्यू भी हो, प्लस पार्टी तो साथ पे रहेगी। तो यही कहना चाहूँगी कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू खुद को दोबारा से रीलॉन्च करने की कोशिश की है, क्योंकि कांग्रेस जैसी बहुत बड़ी पार्टी जो कुछ सालों पहले तक थी, आज वो ख़त्म हो चुकी है, उनका अस्तित्व ना बराबर रह चुका है। सबसे बड़ी विपक्ष होने के बावजूद भी ये पार्टी अपने आप को नहीं संभाल पाई, तो बस एक चुनावी स्टंट है, लोगों को खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और खुद को लोगों के बीच ले जाकर आने वाले चुनाव में तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जनता जनार्दन है, जनता देखेगी कि कौन सच में जनता के काबिल है या सिर्फ दिखावा या सिर्फ ऐसा कोई स्टंट करके लोगों का आई वॉश करने की कोशिश की जा रही है। POJK तक तो पहले POJK को भारत में मिलाने की ज़रूरत है। जो राजनीतिक पार्टियां सेंटर में बैठी हैं, बड़े बड़े दावे करती हैं कि हम POJK को हासिल करेंगे, लेकिन पहले वो POJK क्या जम्मू कश्मीर के हालात नॉर्मल करके दिखाएं। कल भी यहाँ पर एक दो बम धमाके जम्मू में हुए, आए दिन जम्मू कश्मीर में ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो जो कि बहुत ज़्यादा संगीन मुद्दा है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशू है और एक ख़तरा बना हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। आज सरकार जम्मू कश्मीर के हालात नॉर्मल नहीं कर सक रही, तो POJK तो दूर की बात, तो सिर्फ़ एक चुनावी एजेंडा या चुनावी मुद्दा बनाकर जो POJK पर राजनीति की जाती है उसकी मैं निंदा करती हूँ। पहले जो लोग हमारे जम्मू कश्मीर में हैं उनको सुरक्षा प्रदान कराना या सुरक्षा प्रदान करना सेंट्रल गवर्नमेंट की फर्स्ट ड्यूटी होनी चाहिए, उसके बाद राजनीतिक रोटियां या राजनीतिक प्लस